हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बीबी एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं अप्रैल माह के करंट अफेयर्स का पार्ट 4। पहला प्रश्न, विच बैंक रिसेंटली एक्सक्यूटेड इट फर्स्ट सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट लिंक ट्रेड बोइंग ट्रांजेक्शन विद अमेरिकन लेंडर वेल्स फार्गो बैंक। उत्तर है यस बैंक। अगला प्रश्न, विच बैंक वॉज इशू ए पेनाल्टी ऑफ ₹25 करोड़ बाई सेबी फॉर मिसलेंडिंग इट्स एडिशनल टायर वन बॉन्ड्स। उत्तर है यस बैंक। अगला प्रश्न, इन अप्रैल 2021 पंजाब नेशनल बैंक लॉन्च ए डिजिटल इनिशिएटिव PNB@easy through which PNB@easy can be accessed। उत्तर है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला प्रश्न, विच बैंक प्रोवाइड ए लोन वर्थ ₹600 करोड़ टू नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इन अप्रैल 2021। तो उत्तर है डिस्ट्रिक्ट बैंक। अगला प्रश्न, व्हाट इज द सैंडबॉक्स एंड व्हाट वाज द एक्सटेंशन गिवन टू इट्स बाय ईडीआई इन अप्रैल 2021। उत्तर है टेस्टिंग एनवायरमेंट 2 ईयर। अगला प्रश्न, व्हाट इज द टोटल अमाउंट एलोकेटेड बाय नेशनल हाउसिंग बैंक फॉर इट्स स्पेशल रेफरेंस फैसिलिटी 2021 स्कीम व्हिच विल बेनिफाई ऑल एलिजिबल प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन। उत्तर है ₹10,000 करोड़। अगला प्रश्न, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस टू इन्वेस्ट $100 मिलियन इन जेसी फ्लोर्स इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड टू हेल्प इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू रिसोल्विंग डिस्ट्रेस्ड एसेट्स। उत्तर है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अगला प्रश्न, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक रिसेंटली मेड ए डिजिटल लेंडिंग पार्टनरशिप विद द फिनटेक कंपनी नीरा फॉर प्रोवाइडिंग पर्सनल लोन। उत्तर है उज्जीवन SFB। अगला प्रश्न, Which bank allowed its customer to transfer fund up to ₹25,000 transaction across 150 countries through its Send Money Abroad feature? उत्तर है Axis Bank। अगला प्रश्न, Who was appointed as the head of RBI's second regulation review authority? उत्तर है M. Rajeshwar Rao। अगला प्रश्न, Which international bank recently announced to close its consumer banking operation इन 13 कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया? उत्तर है सिटी बैंक। अगला प्रश्न, विच बैंक पार्टनर विद मास्टर कार्ड फॉर प्रोवाइडिंग कॉन्टेक्टलेस पेमेंट सॉल्यूशन टू इट्स कस्टमर्स थ्रू मास्टर कार्ड पे बाई बैंक ऐप? उत्तर है RBL बैंक। अगला प्रश्न, विच ब्रोकरेज कंपनी लॉन्च इंडिया फर्स्ट आधार बेस्ड सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट पेमेंट फीचर? उत्तर है इट मनी। अगला प्रश्न, विच इंश्योरेंस प्रोवाइडर रिसेंटली साइन ए कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट विथ उत्तर बंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक टू रिटेल इट्स इंश्योरेंस प्रोडक्ट? उत्तर है SBI जनरल इंश्योरेंस। अगला प्रश्न, सेबी रिसेंटली इशू गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग वेयर हाउसिंग नॉर्म्स बाई क्लियरिंग कॉर्पोरेशन फॉर एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर गुड्स। वॉट इज द मिनिमम पेड अप कैपिटल नीडेड टू बी accredited as warehouse service providers? उत्तर है ₹10 करोड़। अगला प्रश्न, which organization released the trend and progress of housing in India report that analyzed the India housing loan sector? तो उत्तर है National Housing Bank। अगला प्रश्न, which e-payment company partner with LIC for facilitating digital payment service to the customer of LIC? उत्तर है Paytm। अगला प्रश्न, Which company recently partnered with Agriculture Insurance Company of India Limited for providing insurance to the rural farmer? तो उत्तर है Gram Cover Insurance Brokers। अगला प्रश्न, In April 2021, ₹4.04 करोड़ was stolen from the currency chest of Axis Bank in Chandigarh. What is the currency chest? तो उत्तर है place where money is stored by RBI for banks and ATMs. अगला प्रश्न, विच ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर विद हैबिटल फॉर ह्यूमैनिटी इंटरनेशनल टू प्रोवाइड हाउसिंग लोन टू 20,000 बेनिफिशियरीज इन बांग्लादेश इंडिया इंडोनेशिया एंड फिलीपींस? उत्तर है एशियन डेवलपमेंट बैंक।
अगला प्रश्न, इन अप्रैल 2021 आरबीआई प्रपोज टू रिव्यू द कंट्री क्लिनिकल कैपिटल बफर, व्हाट इज द करंट सीसीवाईबी रेट्स, उत्तर है 0%। अगला प्रश्न, विच इज द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू क्रॉस 1 बिलियन यूपीआई ट्रांजेक्शन, उत्तर है फोन पे। अगला प्रश्न, विच इज द फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज इन इंडिया टू लॉन्च ए रिपोर्ट दैट प्रोवाइड्स एक्सैक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रेजरी मेड बाय इंडिविजुअल टू इंडियन टैक्स अथॉरिटीज, उत्तर है बीटेक्स। अगला प्रश्न, विच कंपनी पार्टनर विद फेडरल बैंक टू लॉन्च ए नियो बैंकिंग एप फाइव फॉर द सैलरी मिलियनेयर्स, उत्तर है गूगल पे। अगला प्रश्न, विच इज द इंडिया फर्स्ट म्यूचुअल फंड टू हैव क्रॉस रूपीज 5 लाख करोड़ इन एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट, उत्तर है एसबीआई म्यूचुअल फंड। अगला प्रश्न, विच कंपनी रिसेंटली इंटर इंटू ए को लेंडिंग पार्टनरशिप विद एचडीएफसी लिमिटेड फॉर ऑफरिंग हाउसिंग लोन, तो उत्तर है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। अगला प्रश्न, इन अप्रैल 2021 फर्स्ट रैंड बैंक डिसाइडेड टू विथड्रॉल ऑल इट्स बैंकिंग सर्विस फ्रॉम इंडिया टू बैंक बिलोंग्स टू विच कंट्री, उत्तर है साउथ अफ्रीका। अगला प्रश्न, विच बैंक पार्टनर विथ एक्वेयर्स फिनटेक सर्विस टू लॉन्च केरला फर्स्ट न्यू बैंक एस मनी न्यू बैंक, उत्तर है आईसीआईसी बैंक एंड यस बैंक। अगला प्रश्न, विच बैंक रिसेंटली अपॉइंटेड इर्न्स यंग ग्लोबल लिमिटेड एज इट्स डिजिटल कंसल्टेंट, उत्तर है इंडियन ओवरसीज बैंक। अगला प्रश्न, विच ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर विथ टाटा स्टील टू इम्प्लीमेंट द वर्ल्ड फर्स्ट ब्लॉकचेन इनेबल्ड पेपरलेस ट्रांजेक्शन इन स्टील इंडस्ट्री, उत्तर है एचएसबीसी। अगला प्रश्न, विच बैंक पार्टनर विथ गूगल पे एंड वीजा टू प्रोवाइड ए सिक्योर टोकनलाइजेशन टू इट्स क्रेडिट कार्ड, उत्तर है एचएसबीसी इंडिया। अगला प्रश्न, विच कंपनी अलॉन्ग विथ मास्टर कार्ड लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट क्यूआर क्रेडिट कार्ड कौन क्यूआर, उत्तर है बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशन। अगला प्रश्न, विच बैंक साइन एन एग्रीमेंट विथ द चेन्नई एंजल टू प्रोवाइड क्रेडिट अप टू 50 करोड़ टू स्टार्टअप कंपनी, उत्तर है इंडियन बैंक। अगला प्रश्न, विच बैंक लाइसेंस वॉज कैंसिल बाई आरबीआई ड्यू टू इट्स इनएक्विटेड कैपिटल, उत्तर है भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अगला प्रश्न, What is the type of investment data facilitated through the Axis Direct Ring mobile application of Axis Direct? उत्तर है stock market. अगला प्रश्न, Indian state and UT can avail special drawing facility at an interest rate of 4%. RBI extended the interim ways and means advances limit of ₹51,560 crore for डैश इन अप्रैल 2021, उत्तर है 6 मंथ। अगला प्रश्न, विच इंटरनेशनल फाइनेंशियल कंपनी अलोंग विद डीनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड वॉज रिस्ट्रिक्टेड बाई आरबीआई फॉर इंटरग्रेटिंग न्यू डोमेस्टिक कस्टमर इनटू देयर नेटवर्क, उत्तर है अमेरिकन एक्सप्रेस। अगला प्रश्न, विच बैंक इज इंडिया लेंडिंग लेंडर टू क्रेडिट कार्ड एस ऑफ फेब्रुवरी 2021, उत्तर है एचडीएफसी बैंक। अगला प्रश्न, पीएफआरडीए इज प्लानिंग टू रेज मैक्सिमम एंट्री एज टू 70 फॉर द नेशनल पेंशन सिस्टम फ्रॉम डैश, तो उत्तर है 65। अगला प्रश्न, हु रिसेंटली गॉट अप्रूवल फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी फॉर ऑपरेटिंग इन गुजरात गिफ्ट सिटी, उत्तर है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। अगला प्रश्न, ईडीआई अलाउ इश्यूअर टू इन्वेस्ट इन डेबिट इंस्ट्रूमेंट इशू बाय आईएनबी आईटीस एंड आरईआईटी विद एटलीस्ट डेट बीइंग इन्वेस्ट इन ट्रिपल ए रेटेड, उत्तर है 75%। अगला प्रश्न, इन अप्रैल 2021 आरबीआई अलाउ कमर्शियल बैंक टू पे अप टू डैश ऑफ डिविडेंड फॉर फाइनेंशियल 21, तो उत्तर है आरबीआई 50%। अगला प्रश्न, विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस इंडिया फर्स्ट वीडियो बेस्ड वेल्थ कमिटी फॉर इट्स यूजर टू लाइव
इंटरेक्ट विद सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, उत्तर है पेटीएम। अगला प्रश्न, विच म्यूचुअल फंड कंपनी रिसेंटली लॉन्च इस निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड टू इनेबल इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन निफ्टी नेक्स्ट 50 एट लो कॉस्ट, उत्तर है SBI म्यूचुअल फंड। अगला प्रश्न, इन अप्रैल 2021 इंडियन गवर्नमेंट इन्वेस्ट डैश टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ डैश, उत्तर है ₹200 करोड़, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल फाइनेंस कंपनी। अगला प्रश्न, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडेड ए टोटल ऑफ $1.5 बिलियन टू इंडिया फॉर टैकलिंग COVID-19, उत्तर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगला प्रश्न, विच कंपनी पार्टनर विथ NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड टू एक्सपेंड इट्स UPI ट्रांजेक्शन इन ग्लोबल मार्केट, उत्तर है फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम। अगला प्रश्न, विच ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस ए फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ ₹135 करोड़ टू इंडिया फॉर प्रोक्यूरिंग मेडिकल सप्लाईज इंक्लूडिंग ऑक्सीजन टू टैकल COVID-19, तो उत्तर है गूगल। अगला प्रश्न, एक्सिस बैंक रेक्टिफाइड न्यू इंडिया इंश्योरेंस को लिमिटेड एज पब्लिक कैटेगरी इन्वेस्टर फ्रॉम प्रोमोटर एज पर द रेगुलेटरी गाइडलाइंस ऑफ डैश, उत्तर है SEBI। अगला प्रश्न, विच बैंक लॉन्च द डिजिटल बैंकिंग सर्विस मर्चेंट स्टॉक टू सर्विस रिटेल मर्चेंट कस्टमर, उत्तर है ICICI बैंक। अगला प्रश्न, विच बैंक साइन एन MOU विद BSNL टू रिसीव टेलीकॉम सर्विस फॉर बैंक एट कंपिटिटिव रेट, उत्तर है इंडियन बैंक। अगला प्रश्न, व्हाट वाज द GDP ग्रोथ प्रोजेक्टेड फॉर इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2022 एज पर द UN ESCAP इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड पैसिफिक 2021 टुवर्ड पोस्ट COVID-19 रेसिलियंट इकोनॉमिक्स रिपोर्ट, उत्तर है 7%। अगला प्रश्न, व्हाट वाज द एस्टिमेटेड GDP ग्रोथ फॉर इंडिया एज पर द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट सोर एशिया इकोनॉमिक फोकस स्प्रिंग 2021 साउथ एशिया वैक्सीनेट दैट वाज रिलीज इन मार्च 2021, उत्तर है 10.1%। अगला प्रश्न, विच कंपनी साइन ए 22-year मेंटेनेंस सर्विस एग्रीमेंट विथ रिलायंस बांग्लादेश LNG एंड पावर लिमिटेड फॉर मेंटेनिंग 718 मेगावाट कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट एट मेघनाघाट बांग्लादेश, तो उत्तर है जी पावर इंडिया। अगला प्रश्न, व्हाट वाज द इंडिया करंट अकाउंट डिफिसिट एज पर RBI ड्यूरिंग द क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 21 ड्यू टू द COVID-19 इंपैक्ट ऑन ट्रेड, तो उत्तर है $1.7 बिलियन। अगला प्रश्न, इंडिया फिजिकल डिफिसिट फॉर 11th मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 21 रीच्ड 76% ऑफ रिवाइज एस्टिमेटेड फिजिकल डिफिसिट, व्हाट वाज द रिवाइज एस्टिमेटेड फिजिकल डिफिसिट ऑफ इंडिया फाइनेंशियल ईयर 21 अप्रैल 22 मार्च 21, तो उत्तर है ₹18.48 लाख करोड़। अगला प्रश्न, व्हाट वाज द ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड फॉर इंडिया इन फाइनेंशियल 22 एज पर द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, उत्तर है 12.5%। अगला प्रश्न, ड्यूरिंग अप्रैल जनवरी 2021 द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो इनटू इंडिया ग्रो बाय 28% टू $54.18 बिलियन विच इज इंडिया टॉप FDI इन्वेस्टर, तो उत्तर है सिंगापुर। अगला प्रश्न, इन विच कंट्री लॉजन टर्बो विल सेट अप 1.5 गीगावाट सुदेर सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट, उत्तर है सऊदी अरबिया। अगला प्रश्न, विच ग्रीन एनर्जी कंपनी प्लेग टू अचीव नेट जीरो इमिशन इन इंडिया बाय 2050, उत्तर है रिन्यू पावर। अगला प्रश्न, व्हाट वाज इंडिया GDP प्रोजेक्टेड बाय नोमुरा फॉर फाइनेंशियल ईयर 22, तो उत्तर है 12.6%। अगला प्रश्न, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली साइन एन MOU विद जापान्स मिशी एंड को लिमिटेड टू एनहेंसिंग स्मॉल स्केल LNG एप्लीकेशन इन इंडिया, उत्तर है इनॉक्स CBA। अगला प्रश्न, विच कंपनी पार्टनर विद भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड फॉर इम्प्लीमेंटिंग AI एंड क्लाउड टेक्नोलॉजी इन BPCL सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, उत्तर है एक्सचेंजर। अगला प्रश्न,
What was the core inflation rate for month 2021, which was at 29 month high due to the increased food price? Uttar hai 5.96%. Agla prashn. Which organization recently signed its first agreement in South Asia to buy a 32 megawatt wind power plant in Karnataka? Uttar hai Facebook. Agla prashn. Central government extended the existing foreign trade policy for another 6 months till September 30, 2021. What was the initial time frame for which the FTP was designed? The uttar hai 2015 to 2020. Agla prashn. For strengthening the supply chain and technology infrastructure, Flipkart made a strategic two-prong partnership with which organization? The uttar hai Adani Group. Agla prashn. Which financial institution was appointed as the transaction advisor for Jawaharlal Nehru Port Trust? The uttar hai SBI Capital Market Limited. Agla prashn. Amazon India organized the second edition of Amazon Shambho Summit virtually, in which Amazon has launched a $250 million as Amazon Shambho Venture Fund and announced $10 million investment in Dash Uttar hai M1 Exchange. Agla prashn. Which Indian organization recently crossed $100 billion market capital? Uttar hai Adani Group. Agla prashn. What is the maximum growth rate projected for India for financial year 22 by the Information and Credit Rating Agency of India Limited in April 2021? The uttar hai 10.5%. Agla prashn. What is the GDP forecast of India for financial year 22 as per CARE rating as of April 2021? The uttar 10.2%. Agla prashn. Which company announced to shut down its global mobile phone business? Uttar hai LG. Agla prashn. What is India GDP for financial year 22 projected by India Rating and Research in April 2021? Uttar hai 10.1%. Agla prashn. Which organization projected India GDP to grow by 11% in financial year 28's Asian Development Outlook in April 2021? Uttar hai Asian Development Bank. Agla prashn. Which organization projected and India should spend ₹67,193 crore for vaccinating all India above 18 years? Uttar hai India Rating and Research. Agla prashn. In April 2021, Wipro became the third largest IT firm in India, while it is also announced to achieve net zero greenhouse gas emission by 2040. Agla prashn. Which country recently signed four agreement with India to provide financial support worth ₹1.93 crore for healthcare development projects? Uttar hai Japan. Agla prashn. Which union territory recently signed an MOU with Trifed for implementing minimum support price for minor forest produce scheme and Bhan Bandhan Yojana? So, uttar hai Daman Deep and Dadar and Nagar Haveli. Agla prashn. Which state government signed an MOU with Badhauni Institute for Artificial Intelligence for developing an AI-based mobile app to assist its cotton farmer? To uttar hai Telangana. Agla prashn. Which organization signed a statement of intent with Niti Aayog Atal Innovation Mission to promote innovation and entrepreneurship ecosystem in India public system? To uttar hai Center for Innovation in Public System. Agla prashn. Which organization signed an MOU with Species Board India to enhance the transparency in supply chain in the e-spice bazaar portal using blockchain based traceability interference? Uttar hai United Nation Development Program. Agla prashn. Union Cabinet approved the MOU signed between India and Dash for collaborating in field of atmospheric science and technology? Uttar hai Japan. Agla prashn.
Which organization signed an MOU with the Ministry of Ayush for formulating new drug using medicinal herbs? तो उत्तर है Department of Animal Husbandry and Dairy. तो उत्तर है Which organization signed an MOU with Ministry of Ayush for formulating new drugs using medicinal herbs? तो उत्तर है Department of Animal Husbandry and Dairy. अगला प्रश्न. Which organization recently signed a tripartite agreement with Ladakh UT Administration, Ladakh Autonomous Hills Development Council, Leh for setting up 50 megawatt solar power project at Taru Leh? तो उत्तर है Solar Energy Corporation of India. अगला प्रश्न. Which organization recently signed an MOU with the Agriculture Skill Council of India to provide skill training in agriculture sector? उत्तर है National Collateral Management Limited. अगला प्रश्न. Which country signed a statement to intend with Niti Aayog Atal Innovation Mission for promoting innovation and entrepreneurship among India and startups? उत्तर है Denmark. अगला प्रश्न. With which country the communication provider OneWeb sign an MOU for cooperation in field of satellite communication and establishing a low earth orbiter center of excellence? उत्तर है Kazakhstan. अगला प्रश्न. In April 2021, German company Bayer signed a statement of intent with Niti Aayog Atal Innovation Mission. They will work on innovation toward which sector? उत्तर है agriculture and healthcare. अगला प्रश्न. Name the company that recently signed a statement of intent with Niti Aayog Atal Innovation Mission for promoting innovation and entrepreneurship in STEM field. उत्तर है Dassault Systems. अगला प्रश्न. In a move to increase farmer income, Microsoft signed a MOU with the Agriculture Ministry of implementation is pilot program in 100 village in dash states. उत्तर है 6 state. अगला प्रश्न. Which organization recently partnered with Niti Aayog for empowering Atal Tinkering Labs in school across India? उत्तर है All India Council for Technical Education. अगला प्रश्न. With which organization Oberoi Group recently signed an MOU to reduce its overall carbon footprint by implementing clean energy initiative? तो उत्तर है Energy Efficiency Service Limited. अगला प्रश्न. With which company partnered with India Common Service Center to set up solar power microgrid and water pump in rural area? उत्तर है Tata Power. अगला प्रश्न. India Ministry of Housing and Urban Affairs signed an agreement cities combating plastic entering the marine environment with dash for technical cooperation in combating marine pollution? उत्तर है Germany. अगला प्रश्न. Which organization signed an MOU with National Cooperative Development Corporation for promoting sustainable development in agriculture and allied sectors? उत्तर है IIT Kharagpur. अगला प्रश्न. Which state industrial and infrastructure development corporation recently signed an MOU with the World Trade Center to promote trade and international investment? उत्तर है हरियाणा. अगला प्रश्न. Which IIT recently partnered with the Singapore India Chamber of Commerce and Industry to promote technology startup by conducting launchpad competition? उत्तर है IIT कानपुर. अगला प्रश्न. With which IIT Ministry of Housing and Urban Affairs sign an MOU with setting up an accelerator center for research and development? उत्तर है IIT खड़गपुर. अगला प्रश्न. Which state government signed an MOU with Microsoft for providing skill development courses to its student and unemployed youth? तो उत्तर है Andhra Pradesh. अगला प्रश्न. Which organization signed a power purchase agreement with Gujarat Urja Vikas Nigam Limited for 25 years? तो उत्तर है Coal India. अगला प्रश्न. Which organization signed an MOU with the North East Frontier Railway to undertake research project in improving maintenance and operation of trains? उत्तर है IIT Guwahati. अगला प्रश्न. Who was appointed as the chairman and managing director of Oil and Natural Gas Corporation in April 2021? उत्तर है Subhash Kumar. अगला प्रश्न.
Who is the present chairman and managing director of Jammu and Kashmir Bank, whose tenure has been extended by 6 months by RBI in March 2021? Uttar hai R.K. Chibbar. Agla prashn. Who was as the brand ambassador of the general insurance company Digit Insurance? Uttar hai Virat Kohli. Agla prashn. Who was appointed as the chairperson of the Public Enterprises Selection Board? Uttar hai Mallika Srinivasan. Agla prashn. In April 2021, the Labour Ministry has set up 3 expert committee to review standard under occupational safety, health and working condition code 2020. Who was appointed as the head of the expert committee on fire safety? Uttar hai D.K. Sami. Agla prashn. Who was appointed as the Prime Minister of Slovakia in April 2021? Uttar hai Eduard Heger. Agla prashn. Who was appointed as the Director General of Employees State Insurance Corporation? Who was appointed as the Director General of Employees State Insurance Corporation? Uttar hai Mukhmit S. Bhatia. Agla prashn. Who was appointed as the Additional Director of Britannia Industry Limited? Uttar hai Urjit Patel. Agla prashn. In April 2021, Bajosha Osmani Sadrav was appointed as the President of Daesh? Uttar hai Kosovo. Agla prashn. In April 2021, Gwen John Phuc and Phem My Chinh were elected as the President of Prime Minister of Daesh? Uttar hai Vietnam. Agla prashn. Who was appointed as the new Mission Director of Niti Aayog Atal Innovation Mission? To uttar hai Chaitanya Vaishnav. Agla prashn. President of India appointed Justice N.V. Ramana as the Daesh Chief Justice of India in April 2021. To uttar hai 48th. Agla prashn. Who was appointed as the new Chairman and Managing Director of Small Industry Development Bank of India for a period of 3 years? To uttar hai S. Raman. Agla prashn. Who was appointed as the Brand Ambassador of Vivo? Uttar hai Virat Kohli. Agla prashn. Who was appointed as the Chairman of Capacity Building Commission? To uttar hai Adil Jainul Bhai. Agla prashn. In April 2021, Mahamadau was appointed as the Prime Minister of which country? To uttar hai Niger. Agla prashn. Who was recently appointed as the first woman Director General of National Council for Applied Economic Research? Uttar hai Poonam Gupta. Agla prashn. Who was appointed as the Brand Ambassador of Sports Exchange, a fantastic sport platform, in April 2021? Uttar hai Prithvi Shaw. Agla prashn. Who was appointed as the MD and CEO of Pramerica Life Insurance Limited? Uttar hai Kalpana Sampath. Agla prashn. Who was appointed as the Brand Ambassador of Punjab COVID-19 Vaccination Program? Uttar hai Sonu Sood. Agla prashn. President Ramnath Kovind appointed Sushil Chandra as a new Chief Election Commission. President Ramnath Kovind appointed Sushil Chandra as new Chief Election Commissioner of India under provision of Daesh. So, Uttar hai Article 324. Agla prashn. In April 2021, Guillermo Lasso was elected as the President of which country? So, Uttar hai Ecuador. Agla prashn. Who got approval from Appointment Committee for Cabinet to serve as Director General of Director General of Civil Aviation for the period of 6 months? Uttar hai Arun Kumar. Agla prashn. Who was appointed as the Brand Ambassador of the Consumer Electronic Company ESTA? Uttar hai Suresh Raina. Agla prashn. In April 2021, Claude Joseph was appointed as the new Prime Minister of Daesh? Uttar hai Haiti. Agla prashn. Who was appointed as the Brand Ambassador of Techno Mobile India in April 2021? Uttar hai Ayushman Khurana. Agla prashn. Who was nominated as the next Ambassador of NASA in April 2021? Uttar hai Bill Nelson. Agla prashn. Which company appointed cricketer Washington Sundar and Devdutt Padikkal as its Brand Ambassador in April 2021? तो उत्तर है पूमा इंडिया.
which company appointed cricketer Washington Sundar and Devdutt Padikkal as its brand ambassador in April 2021? Uttar hai Puma India. Agla prashn. In April 2021, Kim Boo Kyung was appointed as the Prime Minister of which country? Uttar hai South Korea. Agla prashn. Who was reappointed as the MD and CEO of DCB Bank in April 2021? Uttar hai Murali Natarajan. Agla prashn. In April 2021, the Movement of Democracy, the ruling party under PM Ulysses Korea E. Silva, won the parliamentary election of which country? Uttar hai Cape Verde. Agla prashn. In April 2021, President Ramnath Kovind appointed Justice Sanjay Yadav as the active Chief Justice of which country? Which High Court? In April 2021, President Ramnath Kovind appointed Justice Sanjay Yadav as acting Chief Justice of which High Court? Uttar hai Allahabad High Court. Agla prashn. Mahamat Idris Debe. Mahamat Idris Debe Itno was appointed as the President of which country? Uttar hai Republic of Chad. Agla prashn. Who was appointed as the external auditor of the organization of the provision of chemical weapon in April 2021? Uttar hai Girish Chand Murmu. Agla prashn. Who recently became the first woman chairperson of NASSCOM? Uttar hai Rekha Menon. Agla prashn. In April 2021, RBI approved the appointment of Atanu Chakravarti as the part-time chairman of DAS for a period of 3 years. Uttar hai HDFC Bank. Agla prashn. Who was appointed as the Director General of National Anti-Doping Agency in April 2021? To Uttar hai Siddharth Singh Longjam. Agla prashn. Who was appointed as MD and CEO of National Commodity and Derivatives Exchange Limited by SEBI in April 2021? Uttar hai Arun Raste. Agla prashn. In April 2021, Nikol Pashinyan, Prime Minister of DAS, resigned from office. Uttar hai Armenia. Agla prashn. Who was appointed as the non-official director of the Central Board of RBI by Finance Ministry in April 2021? Uttar hai Ajay Seth. Agla prashn. Who was appointed as the brand ambassador of the Japanese sports brand ASICS? Uttar hai Rabindra Jadeja. Agla prashn. In April 2021, President appointed Justice Rajesh Bindal as Chief Justice of which High Court? Uttar hai Calcutta High Court. Agla prashn. In April 2021, Miguel Diz Canel was named as the first Secretary of Central Committee of the Communist Party of DAS. Uttar hai Cuba. Agla prashn. Who was appointed as the Finance Secretary of India in April 2021? Uttar hai T.B. Somnathan. Agla prashn. In April 2021, Amitabh Chaudhary was appointed as the MD and CEO of which bank for a 3 years term until 31st December 2021? Uttar hai Axis Bank. दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।